और इसी बीच पुष्पराजगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अमदरी दुआही घाट में भूस्खलन हुआ है। लगातार चार दिनों से बारिश ने कोहरा मचा रखा है। बीते वर्ष भी इसी जगह पर भूस्खलन हो चुका है। एमपीआरडीसी द्वारा इसका मरम्मत किया गया था, लेकिन अब इसकी गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। शहडोल के पडरिया हाईवे मार्ग का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुष्पराजगढ़ के अमदरी दुआही घाट में भूस्खलन हुआ है और एमपीआरडीसी द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया है, मरम्मत किया गया है, लेकिन अब इसकी गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। बता दें कि शहडोल से पडरिया हाईवे मार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पुष्पराजगढ़ के अमदरी दुआही घाट में भूस्खलन हुआ है और लगातार चार दिनों से बारिश ने कोहरा मचा रखा है। भारी बारिश के चलते भूस्खलन की घटना लगातार हो रही है और बीते वर्ष भी इसी जगह पर भूस्खलन हो चुका है। और बता दें आपको कि एमपीआरडीसी द्वारा इसका मरम्मत कार्य किया गया है, लेकिन अब इसकी कार्य और गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। और ये पूरा मामला शहडोल के पंडरिया हाईवे मार्ग का बताया जा रहा है। और देखिए तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, किस प्रकार से भूस्खलन हुआ है सड़क मार्ग का और सारी की सारी सड़क नीचे धस चुकी है। बता दें कि यह शहडोल से पडरिया हाईवे का मार्ग है, जहां पर यह भूस्खलन हुआ है। पूरी सड़क अब खराब हो चुकी है और इसका निर्माण और मरम्मत एमपीआरडीसी द्वारा किया गया था, जिस पर अब कई गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। मैं तो शुरू से देखा हूं इसमें, बड़ी खबर पुष्पराजगढ़ से, जहां पर अमदरी दुआही घाट में भूस्खलन हुआ है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, पूरा रोड धसकर नीचे चला गया है और बता दें कि पिछली साल भी यहीं पर भूस्खलन हुआ था, सड़क पूरी नीचे धस गई थी, लेकिन इस वर्ष भी लगातार दूसरी वर्ष भी भूस्खलन हुआ है। ऐसे में एमपीआरडीसी के कार्यों पर अब कई गंभीर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। बीते वर्ष भी इसी जगह पर भूस्खलन हुआ था और सड़क धस गई थी, लेकिन इस वर्ष भी सड़क धस चुकी है, भूस्खलन हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अब कार्य की गुणवत्ता पर भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं। बता दें कि पुष्पराजगढ़ के अमदरी दुआही घाट में यह भूस्खलन हुआ है और शहडोल से पडरिया हाईवे मार्ग का पूरा मामला है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस प्रकार से ये भूस्खलन हुआ है। पूरी सड़क धसकर नीचे चली गई है और लगातार दूसरी वर्ष है जब यहाँ पर भूस्खलन हुआ है। पिछली वर्ष भी यहीं पर भूस्खलन हुआ था, लगातार इस वर्ष भी हुआ है। और बता दें कि चार दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश के चलते अब ये रोड धसकर नीचे चला गया है, भूस्खलन हो गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ओंकार सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ओंकार सिंह जी, आपका स्वागत है, लेकिन आपसे यही जानना चाहूंगा कि लगातार दूसरी वर्ष है जब इसी जगह पर लगातार भूस्खलन हुआ है, ऐसे में जो कार्य हो रहे हैं, जो मरम्मत के कार्य हो रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी है, सवाल उठ भी रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मनीष जी, जिस तरह से आजकल कार्य हो रहे हैं उसमें प्रश्न चिन्ह उठना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। इस समय आप जहां भी देखेंगे गुणवत्ता का जो है प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि गुणवत्ता बड़ा है कि नहीं है। और पुष्पराजगढ़ जो है एकांतवास एरिया पड़ता है, दूर पड़ता है, पहाड़ों जंगलों का एरिया पड़ता है, जहां से पानी निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया जाता है। अब पहाड़ों से आने वाला जो पानी है सीधा अंदर से जाके अब रोड तो गिर ही जाएगा, जहां पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं बनाई जाती, सिर्फ
दूर होने के चलते जैसा भी बने वैसे बनाइए और निकल दिया। लेकिन ओंकार सिंह एक सवाल ये भी उठता है कि जब इसका निर्माण हो रहा था, मरम्मत हो रहा था, लगातार दूसरी बार भी इसका मरम्मत हुआ, तब जो जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी है क्या वो दूर होने के चलते निरीक्षण भी नहीं करेंगे? दूर होने का मतलब क्या ये हो सकता है कि उसका निरीक्षण नहीं किया जाए, ठेकेदार जैसा निर्माण कर रहे हैं वैसा होने दिया जाए? क्या इतनी बड़ी इतने बड़े रोड को क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने दिया जाए? क्या ये जिम्मेदारों पर सवाल नहीं उठते? क्या जिम्मेदारों की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां का निरीक्षण किया जाए? देखिए, जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो अपने ऐसी चैम्बरों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उन्हें क्या है, बंडरबाज की जो बंडल है कमीशन खोर, उनको आराम से मिल जाती है। वो एक बार जाएंगे, प्रताड़ करेंगे, ठेकेदार द्वारा कमीशन पहुंचा दिया जाएगा, उसके बाद ठेकेदार कैसे निर्माण कर रहे हैं उनको कोई लेना देना नहीं है। जैसा बना रहे हैं सब सही है, ठेकेदार अपना कोरम पूर्ति करते हैं और रास्ता मार्ग बना के चले जाते हैं। सेम पिछले वर्ष भी यही हाल हुआ था कि भूसंकलन हुआ और फिर से MPRDC ने जो मरम्मत की है उसके बाद भी ये प्रश्न चीन उठ रहा है बार बार कि किस तरह से मरम्मत की है, साफ साफ दिख रहा है। बिल्कुल ओंकार, लेकिन अब इस बार भी भूस्खलन हुआ है तो आगे की राह क्या है? क्या इस बार भी लीपा पोती कर दी जाएगी या जिम्मेदारों की आंखें खुलेगी? क्या कुछ हो सकता है इस बार? देखिए, इस बार भी सेम प्रोसेस होगी, लीपा पोती करके कोरम पूर्ति करके चला जाया जाएगा और फिर बारिश का बहाना बना दिया जाएगा कि बारिश की वजह से ये सब हो गया है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए ओंकार आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको पुष्पराजगढ़ से, जहां पर पुष्पराजगढ़ के अमदरी दोहाई घाट में भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के चलते तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, पूरी सड़क नीचे धस गई है। पिछली बार भी यही हालात थे, इस बार भी यही हालात है। लगातार दो वर्षों से हालात बदले नहीं है, हालांकि ठेकेदार बदल गए, सड़क बदल गई, सूरत बदल गई, लेकिन सवाल अभी बाकी है।